वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब दोबारा होगा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया गया। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। इजलास 1 जुलाई शाम 4 बजे शुरू होगा। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जाफर बिन यार से। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो है पंजाब असम्बली में ड्राफ्ट बुलाने के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि कल शाम 4 बजे जो पंजाब असम्बली का 40वां इजलास होगा वो तलब कर लिया गया और सिर्फ उसमें 1 पॉइंट एजेंडा रखा गया जिसमें यही कहा गया कि वज़ीर आला का इलेक्शन मुनक़िद करवाना है। अब ये देखना होगा कि कल वज़ीर आला का इलेक्शन हो पाता है कि नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद बैरिस्टर हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना था कि हम जो है पिटीशन फाइल कर रहे हैं और इस हवाले से वकला जो पंजाब असम्बली में आए उन्होंने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं, कल सुबह फाइल करेंगे या आज रात को हो सकता है फाइल की जाए। उसके बाद ये फैसला देखना होगा कि असम्बली का जो कल का इजलास है वो हो पाता है कि नहीं, लेकिन इजलास के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन स्पीकर पंजाब असम्बली की जानब से जारी कर दिया गया है और कल इस पर जो है अहम पेशकश होगी। जी बहुत शुक्रिया जाफर बिन यार हमें तफसीलात से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।